अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे को तो आप सब लोग खैरत से होंगे। आप सब लोगों को ईद मुबारक। आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे हैं? मेरे अच्छे गुजरे और मैंने कुछ रोज़े रखे हैं। आप मुझे बस इतना बता दें कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरी ड्रेसिंग देख के बस आप बता दें मैं कैसा लग रहा हूँ, बाकी छोड़ें। आप सबको ईद मुबारक। और अभी तक बारिश हो रही है, आप पता नहीं हम ईद की नमाज कैसे पढ़ने जाएंगे। बाबा अभी रेडी हो रहे हैं, हम ना अभी तक सो रही है। सही सी बात है, उसने ईद की नमाज थोड़ी पढ़नी है, वो तो सोएगी। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हम रूटीन शेयर करेंगे। अभी आप साथ रहिए। बाय। फिर बारिश शुरू हो गई है, मौसम बहुत अच्छा दे सकते हैं। बारिश शुरू हो गई है, कितनी नमाज पढ़ने जा रही थी, बारिश शुरू हो गई। अब जल्दी जल्दी से जाते हैं। बाय बाय। देखते हैं तो अभी हम भीगे ना, जल्दी से मस्जिद में जाते हैं। बाय बाय। अब हम मस्जिद पहुंच चुके हैं, अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बाय बाय। बारिश हो रही है बहुत। बीच की नमाज पढ़ कर आ गए हैं, अब जाके ईजी सबसे लेने, तो मैं ईजी लेने जा रहा हूँ। बाय बाय। जी तो आप ईजी लेने का वक्त आ गए, मैं अब मम्मा से भी मिलूंगा, हमना से भी मिलूंगा, मम्मा से भी मिलूंगा। अभी बाबा जी के मस्जिद में कोई रिलेटिव नहीं था, ऐसे मिल ही जा रहे थे। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी आप जा रहे हैं ईदी सीजन है, तो बाबा जी आपने भी मुझे ईदी दे दी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे। गाइस आप सबको ईद मुबारक। और मैं अभी अभी उठी हूं और अभी से यार भी हूं ना, और भैया लोग, मैं सोई हुई थी, भैया लोग उठ के मजे से ईद पढ़ के आ गई। और ये मेरी कजन लाहौर से आई है, पहले पतली थी और इतनी छोटी थी, और मेरी मम्मा से भी कल इसको ऊपर चला और इतनी हड्डी से भी मोटी हो गई। अभी हम बूढ़ों में गाइस ये बहुत बहुत दाढ़ी है, दाढ़ी बड़ी दाढ़ी। ये मुझे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं होती, इनके मार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? ठीक है। तो गाइस आज ईद का दूसरा दिन है, तो कल हम आपसे ब्लॉग शेयर नहीं कर सके क्योंकि कल हमारे घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, तो हम जो हमने कल थोड़ा सा बनाया था आज हम इसके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी आपको आगे भैया बताएगा। भाई नहीं आगे बताऊँगा, मैं तो कल इतना लेट से, मुझे तो नींद आई है गाइस। तो गाइस कल के दिन बोरिंग भी गुजरे और रात को मज़ा आया क्योंकि सारे गेस्ट आए हुए थे, कजन्स भी आए हुए थे, और दिन को इसलिए बोरिंग गुजरा क्योंकि ना कजन्स आए थे, कुछ भी नहीं आया था और घर में थे, इस वजह से। हमारे तैबू भी आए थे, हम फिर तैबू आए थे, फिर हमने उनके साथ तो गाइस हमारे फिर बड़े बाबा भी आए, फिर हमारे तैबू भी आए, फिर हम तैबू के घर भी गए, तो फिर हमने बहुत एंजॉय किया, इतनी बातें की, और हमें 12 o'clock हम रात को सोए थे, तो नींद नहीं आ रही इतनी हम हमें, लेकिन मैं तो रात को 10 o'clock उठ गई, मैं दिन के 10 o'clock उठ गई, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक। तो गाइस इस्लामाबाद में कुछ मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में ईद कर रहे हैं, ईद उल फितर, वरना इस सेकंड टाइम हम इस्लामाबाद में ईद कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम हम इस्लामाबाद में ईद की थी वो ईद उल अज़हा थी। ईद उल फितर में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। गांव में हम जब दादू के घर जाते थे तो कज़न्स भी होते थे, उनके साथ हर टाइम खेलते थे। अभी कभी कज़न्स दूर हैं तो एक ही टाइम पे आते हैं, उन तो अनलिमिटेड टाइम था, जब मर्जी खेल लो, अभी उनको आना पड़ेगा। इसी तरह करके ना वो पैसे हमारे पास थे, इस वजह से थोड़ा सा बोरिंग डे गुजर रहे, और हमारे पास ईदी भी जमा हो रही है अभी बहुत ज़्यादा। जी अभी तक तो हो रही है, गांव में उससे ज़्यादा भी होती है, अभी तक तो ठीक ही जा रहे हैं, ठीक ही जा रहे हैं। तो अभी हम आपको बाद में मिलते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं मंकी भी जा रहा है उधर, वो मंकी भी जा रहा है जूम करके, वो तो अब आगे चला गया, तो अभी
अभी हम आपको बाजी। तो गाइस अभी हम बहुत बोर हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने बड़े बाबा के और दी के घर जाते हैं। तो और हमारे उधर कजन भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो उधर हम चलते हैं तो थोड़ी सी बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस फर्स्ट डे की ड्रेसिंग और सेकंड डे की ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि दोनों दिनों में कौन प्यारा लग रहा है तो बताना। तो अभी हम जाते हैं। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट्स बेल आइकन कमेंट्स मस्त करिएगा। तो बाय बाय।